वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनिस्टा। मैं हूँ पूनम और आज मैंने ये ब्लैक साड़ी मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये निविया का सॉफ्ट क्रीम और इसे मैं एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ बिकॉज विंटर्स का सीज़न है तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इसे अपने फेस पर इस तरह से मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने लिया है ये येलो करेक्टर, एलिगल ब्रांड का है और इसे मैं इस तरह से अपने आई लिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ और अंडर आई एरिया में भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी अच्छा कवरेज देते हैं और डार्क सर्कल्स को हाइड कर देते हैं। इसमें आपको ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर भी मिल जाता है और मैं वीडियो स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर और ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, जिससे कि कोई भी जो है क्रीज लाइन ना बने। उसके बाद मैंने लिया है ये टीन एंड टीन आईब्रो पैलेट और ये मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। इसमें से मैंने ब्लैक शेड पिक किया है और इस तरह से मैं आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी अपनी। इसमें एक्चुअली दो शेड मिले हैं मुझे, ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। इससे क्या होता है ना, आईब्रोज़ का जो गैप है वो फिल हो जाता है और आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये इक्वली ब्रश की हेल्प से मैंने कॉम कर लिया अपने आईब्रोज़ को। उसके बाद मैं ले रही हूँ एलिगल कंसीलर अपने आईब्रोज़ को फिनिश लुक देने के लिए और इस तरह से मैं एज अ आउटलाइन यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तरह से मैंने यूज़ कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन का जेल लाइनर बिकॉज मैं स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रही हूँ। सो इसके लिए कोई भी काजल या लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेबलिन का जो जेल लाइनर है बहुत ही अच्छा लाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग है और मुझे इससे बेटर और कुछ नहीं लगता इसके लिए। सो इसीलिए मैं स्मोकी लुक के लिए हमेशा इसे ही अप्लाई करती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई काजल भी ले सकते हैं नॉर्मल। सो मैं इसे इस तरह से अपने आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से स्मच करते हुए ब्लेंड करना है और क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको स्लोली इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। और ये जो लुक है मैंने ब्लैक साड़ी के साथ ट्राई किया है, आप चाहें तो ब्लैक सूट या ब्लैक किसी भी ड्रेस के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ ये ब्राउन शेड और ये है ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट और इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर के साथ। तो स्मच करते हुए इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज लाइन पर। इन एंड आउट डायरेक्शन में इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 के आई शेडो पैलेट से ब्लैक शेड और जहाँ पे मैंने जो काजल अप्लाई किया था मैं उसके ऊपर स्मोकी इफेक्ट देने के लिए इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं ले रही हूँ ये मेबलिन का लेस सेंसेशनल मस्कारा और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। लाइक आई लैशेज को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। सो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। अगर आप कोई बहुत अच्छा मस्कारा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है गुड वाइब्स का फेस सीरम और इट्स अ टी ट्री सीरम और ये ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को बहुत ग्लोई बना देता है। सो इसे मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, स्किन इससे मॉइस्चराइज भी हो जाती है। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन और ये लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये भी। अगर आप कोई लाइट फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, केकी नहीं लगता, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
और इसे मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहें तो आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू और चेक कर सकते हैं। और देन मैं नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है ये एलिगल का कंसीलर, इस मैं अपने अंडर आई एरिया में इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी, जो भी फेस पे मतलब हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे नोज़ पे और फेस पे, जो है कॉन्टोर इफेक्ट देने के लिए इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। चिन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी और ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। मैंने नोज़ पे भी और जो है ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये अपने आईब्रो पैलेट से ब्राउन शेड, और इसे मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और देन मैं चीक्स पे भी इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ फेस पे कॉन्टोर करने के लिए। इसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। आपके फीचर्स बहुत शार्प नज़र आते हैं और फेस को एक बहुत ही अच्छा शेप मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। नोज़ पे जो मैंने अप्लाई किया, मैं उसे फिंगर के हेल्प से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, और इसे मैं इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर, और ये है गोल्डन शेड, और इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर। चिन पे भी अप्लाई कर लूँगी। नोज़ पे भी इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। आईज़ में इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर का ये सेटिन स्कारलेट लिक्विड लिपस्टिक है, शेड है सेटिन स्कारलेट। सो ये बहुत ही प्यारा रेड शेड है, बट ये प्रॉपर मैट नहीं है, ये हल्का सा ग्लॉसी इफेक्ट देता है, बट बहुत ही प्यारा रेड शेड है ये। तो अगर आप कोई रेड कलर की लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े से ग्लॉसी इफेक्ट चाहते हैं आप। इसे मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये आई लैशेज, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए थे, ये पैक ऑफ 20 लिया था मैंने काफ़ी टाइम पहले। आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये आई लैशेज मैंने इस तरह से वेयर कर लिए हैं, बस मैंने बिंदी अप्लाई कर ली। और हेयर स्टाइल के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है खास, बस इस तरह से फिंगर की हेल्प से अपने हेयर्स को लिया है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जो है मैसी हेयर्स चाहिए थे, तो मैंने इस तरह से बस क्लचर अप्लाई कर लिया है। और थोड़ा सा हेयर्स को पुश कर लिया है इस तरह से, और बस मैंने क्लिप्स अप्लाई कर लिए हैं। बस ये हो गया हेयर स्टाइल कंप्लीट। इसके बाद मैं ले रही हूँ ADS का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसे मैंने अपने मेकअप को सेट करने के लिए अप्लाई कर लिया है इस तरह से। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो ये लुक तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें
जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।